रक्षित संपन्न सेवा परायण स्वस्थ सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज भी सफल। ब्राह्मण का नाम लिए बिना दो शब्द सुसंस्कृत सुशिक्षित, क्षत्रिय का नाम लिए बिना सुरक्षित, वैश्य का नाम लिए बिना मार्गदर्शन को प्राप्त होता है। जितना चल सकते उस पर चलते हैं, उजागर हुआ है इसलिए लोग भी अब समझने लगे। और हमारे कार्य के बारे में देखा जाए तो समाज में सर्वत्र विश्वास हमारे पर बढ़ा है, उसके कारण सर पे भार भी बहुत बढ़ा है अपेक्षाओं का, तो उसको पूरा पड़े इतना अपने कार्य विस्तार का भी एक काम सामने है। सोच रहे भी 1924 तक 10-12 गांवों का एक मंडल, उसने उन गांवों को संभालने वाली एक शाखा और शहर के 10,000 जनसंख्या में बस्ती उसमें ऐसी एक शाखा, इतना विस्तार हम कर लेंगे तो समाज के सहयोग से इन सब बातों का सामने। लेकिन उससे ऊपर जाएंगे, गति भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका कुछ लाभ लेके कुछ दुनिया में भी और देश में भी जो अवांछित गतिविधियां है वो थोड़ी सी उनको अवसर मिला। दूसरा है कि उनके अस्तित्व का प्रश्न है, सब एक साथ कुछ न कुछ संकट लाने का सोचेंगे, उसका सामना करना है। जिस समय शंकराचार्य जी ने जगन्नाथ जी को पुनर्स्थापित किया, उस समय तो समुद्र से लेकर के श्री मंदिर तक मठ का ही परिसर था। द्वारिका में तो भगवान आज भी परिसर नहीं है शंकराचार्य, लेकिन यहाँ फिर सेवायतों को पूर्व पूर्वाचार्यों ने स्थान देते देते 2 वर्ष पहले 18 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिखा है कि मथुरा क्षेत्र का हम लोग पर